संजय बियानी हत्याकांड में मुख्य आरोपी आतंकवादी। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मशहूर बिल्डर संजय बियानी हत्याकांड मामले में बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिल्डर संजय बियानी की हत्या की साजिश आतंकी हरविंद सिंह संधु उर्फ रिंदा ने रची थी। रिंदा ही था पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड। नांदेड़ पुलिस की विशेष टीम ने 55 दिनों की जांच के बाद केस की सुलझाई गुत्थी। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों ने पूछताछ में पूरा खुलासा किया। कुछ अन्य आरोपी की तलाश अब तक जारी है। बता दें कि एक्सटॉर्शन और पैसे के लेन देन को लेकर की गई थी संजय बियानी की 5 अप्रैल को गोली मारकर हत्या। नांदेड़ पुलिस के अनुसार साल 2019 में रिंदा ने अपने गुर्गो के जरिए बिल्डर संजय बियानी से 5 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन की मांग की थी, लेकिन संजय बियानी ने पैसे देने से इनकार कर दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। इसी बात से गुस्सा होकर रिंदा ने बियानी की हत्या को लेकर अपने गुर्गो के सहारे अंजाम दिया। एक्सटॉर्शन का पैसा क्या आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा था, इसकी जांच करने में नांदेड़ पुलिस जुटी है। साल 2016 में रिंदा के भाई की नांदेड़ में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भाई के खून का बदला लेने के लिए भी उसने 2 लोगों की हत्या करवाई। साल 2016 से 2019 के बीच अपने गुर्गों के जरिए कई लोगों से करोड़ों की एक्सटॉर्शन की वसूली रिंदा ने करवाई थी। नवभारत समाचार के लिए महाराष्ट्र से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ के मशहूर बिल्डर संजय बियानी हत्याकांड में 55 दिन बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नांदेड़ पुलिस ने जो खुलासा संजय बियानी हत्याकांड में किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादी गतिविधियां इस हत्याकांड में शामिल थी। पैसे की लेन देन और हफ्ता वसूली के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि संजय बियानी महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक मशहूर बिल्डर थे और उनके ऊपर अप्रैल महीने में धुआंधार गोलियां चलाई गई थी जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में बारीकी से आरोपियों की तलाश कर रहे थे कि 55 दिन बाद पुलिस के हत्थे जो आरोपी चढ़े हैं वो बेहद चौंकाने वाला खुलासा किए हैं। फिलहाल इस मामले में 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और कुछ आरोपियों की तलाश नांदेड़ पुलिस कर रही है। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से विवेक के साथ मुरारी सिंह। 5 अप्रैल 2022 को यहाँ के प्रसिद्ध व्यवसायी श्री संजय बियानी, उनकी हत्या हुई थी। उस हत्या का तपास और उसकी जांच हमने एसआईटी यहाँ पर गठित करके उनके द्वारा की गई थी। एसआईटी के प्रमुख श्री विजय कबाड़े हैं और उनके साथ तकरीबन 20 अधिकारी और 60 कर्मचारी का एक टीम है। ये सारे लोगों ने मिलकर तकरीबन 55 दिन के तपास में ये पता लगाया है और उस तपास के आधार पर हमने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 6 आरोपियों को 10 दिन का रिमांड मिला है और कल रात इन्हें अरेस्ट हुआ था। इसके आधार पर और भी आरोपी बाकी हैं और वो और भी आरोपी मिलेंगे और उनको हम निष्पन्न करके इस ऑफेंस में अरेस्ट करने वाले हैं। 6 आरोपी कहाँ थे? ये जो 6 आरोपी हैं ये हमने अलग अलग जगह से इनको बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए। यहाँ पर आने के बाद इंक्वायरी के बाद उन्हें निष्पन्न करके यहाँ पर अरेस्ट किया गया। ये जो 6 आरोपी है वो नांदेड़ या उसके आसपास के हैं जिन्हें निष्पन्न करके हमने ये किया, बट इसके बावजूद भी और तपास जारी है और कुछ अगले एक हफ्ते में और भी इसमें आरोपी अरेस्ट होगा। वजह क्या है, हत्या की वजह क्या है? ये ऑफेंस में हमने 120B ये सेक्शन लगाया है कॉन्स्पिरेसी का, और ये कॉन्स्पिरेसी थी जो रिंदा के द्वारा चलाई गई थी, फूड सोल्जर्स के द्वारा जो चलाई गई थी, उसके आधार पर ये हमने ऑफेंस जाँच की है। और इस पर जो बाकी आरोपी बाकी हैं उनके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और वो भी हम मगर जल्द से जल्द निष्पन्न करके। अभी तक तो जो प्राइमा फेसी दिखाई देता है वो वजह जो है वो एक्सट्रॉर्शन और पैसे के लेन देन, इसके ऊपर ही ये सब गुना हुआ है। बट ये कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी इसके आगे कुछ कहना, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा इन्वेस्टिगेशन चलेगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम ये निष्पन्न कर पाएंगे। जिस रिंदा का नाम आ रहा है तो ये जो नांदेड़ से जो फिरौती की रकम ली जाती थी ये टेरर फंडिंग के लिए यूज होता है, ऐसा कुछ प्राइमा फेसी लग रहा है? अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा और आपको भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा लंबा इन्वेस्टिगेशन चलेगा। ये पैसे कहाँ से कहाँ चलेगा
वो करना थोड़ा सा बाकी है और उसके बाद ही हम कोई इसमें कमेंट कर पाएंगे। सर, बियानी की हत्या के मामले में आप जांच कर रहे हो, लेकिन रिंदा ने जो भी अभी तक एक्टिविटीज नांदेड़ में की है, इसी ऑफेंस से आप उसका भी छड़ा लगा सकते हो, तो क्या उस हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करोगे? हमने इसके आधार पर पिछले हफ्ते में कुछ हमें निष्पन्न हुआ था, तो 2019 का भी छड़ा लगा सकते हो, तो क्या उस हिसाब से आप इन्वेस्टिगेशन करोगे? हमने इसके आधार पर पिछले हफ्ते में कुछ हमें निष्पन्न हुआ था, तो 2019 का एक ऑफेंस है जिसमें फायरिंग और शूटआउट हुआ था, उस ऑफेंस को भी हमने री इन्वेस्टिगेट करने की शुरुआत की है और उसमें हमने 4 आरोपी अलग से अरेस्ट किए, 2 आरोपी हमने नांदेड़ से, 2 आरोपी हमने पंजाब से वहाँ पर उसमें लाए हैं, उसमें नया से हमने मौका का सेक्शन उसमें लगाया है और मौका का सेक्शन लगाकर उसमें हमने उनकी पीसी लेकर वापस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम पुराने ऑफेंस जो है वो भूल जाएंगे, जो जो जिसमें निष्पन्न होगा और जिस जिसका रोल आ जाएगा वो सारे जो ऑफेंसेस हैं वो वापस निकालेंगे और उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पकड़े गए जो आरोपी सर, पकड़े गए जो आरोपी, वो अलग मॉड्यूल है और वो अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन हमारे पास नहीं है इसीलिए उसका हम कुछ इसमें कमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे सामने जो संजय बियानी का जो केस है वो उसके केस के बारे में हम कुछ बता पाएंगे। सर, पकड़े गए जो आरोपी हैं सर, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी नांदेड़? हाँ है, नांदेड़ में उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, नांदेड़ में क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका और वो उसकी भी हम जांच कर रहे हैं, उसके आधार पर भी हम कार्रवाई करेंगे।